वेलकम टू प्यूस डांस। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सोया चंक टिक्की। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये मेरे पास सोया चंक्स है, तो इसको हम अब बॉइलिंग वाटर में ऐड कर लेंगे और इसको हम उबलने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब सोया चंक को हमें अच्छे से स्क्वीज कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो टिक्की अच्छे से नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन। अब ये सारी चीज़ों को हमें सोया चंक में ऐड करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। इसकी बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी है। अब इसको मैंने अलग से एक बाउल में ले लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अनियन, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मक्के का आटा मिक्स कर रही हूँ जिससे कि अच्छा सा बाइंडिंग आए, क्योंकि जो सोया चंक्स होते हैं वो पानी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं आटा मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी अब हम टिक्की बना लेंगे। अब इस टिक्की को मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। सोया चंक की जो टिक्की है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर होती है। तो टिक्की हमारी रेडी है। अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।